जब घर से निकलते हैं कि हमको 7 दिन कथा सुननी है, चलो भैया पंडाल में चला जाए कथा सुनने, अभी सुनने आए नहीं है, निकल ही रहे हैं मन बना करके, क्या होता है? बोले जितने भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं, थर 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 कांपने लगते हैं कि ये कहीं पंडाल तक पहुंच गया, भागवत जी के एक दो शब्द भी कान में पड़ गए, हमारा तो नाश हो जाएगा। तो पाप उच्चाटन करते हैं, ए नहीं जाओ। तो अब तो पापों ने भी अपने बहुत सारे क्या कहते हैं मित्र बना लिए हैं। एक पापों का सबसे प्यारा मित्र है क्रिकेट, तो पाप दिखा देते हैं क्रिकेट की, तुम क्रिकेट देखो, अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा, कहाँ बैठोगे तुम 4 घंटा माँ कथा में, कथा तो रोज ही होती रहती है, पर क्रिकेट देखो तुम बैठ करके, उससे कहीं बचे। तो फिर पाप कहते हैं देखो ऐसा है, कथा तो 7 बजे तक चलती है, अभी तो 3 ही बज रहे हैं, ऐसा है 5 बजे चलेंगे, तब तक आराम करो। और ऐसा आराम होता है कि फिर 8 ही बजे नींद खुलती है, नहीं तो फिर दुनिया भर का कोई ना कोई काम सामने आ जाएगा। 7 दिन सुनेंगे छोड़ो, 1 दिन नहीं आ पाते, फिर लोग क्या कहते हैं बेवकूफ बनाते हैं अपने आप को, दूसरे को नहीं बनाते अपने को बनाते हैं कि अरे देखो कथा में नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, सबसे मेन चीज है भगवान की कथा का प्रसाद, प्रसाद पा लेंगे सारा फल मिल जाएगा। अब बताओ जब प्रसाद ही पाने से सब हो जाएगा तो राजा परीक्षित को काय को 7 दिन खुपड़ भंजन किया बैठ के, सुखदेव जी ने प्रसाद ही पवा देते, प्रसाद से भी होगा, ऐसा नहीं प्रसाद से नहीं होगा, लेकिन सबका अपना अपना काम है, कथा का अपना कार्य है, प्रसाद का अपना कार्य है, कीर्तन का अपना कार्य है। भगवान की कथा नहीं सुन पाता पापी व्यक्ति, जो पुण्यात्मा है जिन पर भगवान कृपा करते हैं वही इस कथा को सुन पाते हैं, उन्हीं की इस कथा में रुचि होती है। संसार के लोगों को जैसे संसार की बातों से कभी मन नहीं भरता, ऐसे भगवान के भक्तों का कभी कथा से मन नहीं भरता। चलो अब थोड़ा सा बुरा नहीं मानना, मैं पहले ही कह दे रहा हूं, अब बुरा तो लगेगा क्योंकि अपने कर्म ही ऐसे, जितने जने बैठे हैं आप ही नहीं, हम लोग भी अपनी कह रहे हैं, आप ही थोड़ी, हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं, पूरे दिन बैठ करके बुराई करते हैं कि नहीं, एक दूसरे की फालतू फोकट में, एक दूसरे की निंदा स्तुति, जो अपना अच्छा करे उसकी स्तुति करेंगे, जो थोड़ा भी अभी तक अच्छा कर रहा था थोड़ा भी गड़बड़ किया तो उसकी निंदा शुरू कर देंगे, भर भर करके गालियां देंगे, अरे काएगे धर्मात्मा, हमने हमसे पूछो तुम, 2 नंबर का आ रहा है तो वो अपना दिखाने के लिए लोगों को हम धर्मात्मा बन रहे हैं, हमारी तरह कमाओ तब लगाओ तब पता चलेगी, अब बुराई करेंगे। अच्छा 1 दिन कर ली, 2 दिन कर ली, 3 दिन कर ली, 500 साल रोज बुराई करते हैं, कभी मन भरता है क्या? करने बैठो तो भूख प्यास और छूट जाती है, नींद लग रही हो थोड़ी सी, कह दो देखो उनके यहाँ पे क्या हुआ है, क्या हुआ बताओ, अब नींद नहीं आएगी। संसार के लोगों को जैसे प्रपंच से, संसार के लोगों को बुराई करने में लोगों के आनंद आता है, ऐसे भगवान के भक्तों को बारंबार वही कथा सुनने में आनंद आता है। जितनी बार बोले नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ, सुन करके सारे के सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ के आए और कीर्तन कर रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो उतनी बार आनंद होता, हा 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 देखो हमारे ठाकुर जी का अवतार हुआ। भक्तों में और संसारियों में यही अंतर है, भगवान की कथा जीव के संपूर्ण कलमसों को दूर करती है। श्री गोकर्ण जी की 7 दिनों की उस भागवत की कथा को सुन करके धुंधकारी जैसे महान प्रेत का भी उद्धार हुआ, तब फिर सामान्य जो भगवान के भक्त हैं, जो लोग श्रद्धा से कथा सुनने के लिए आते हैं, उनका उद्धार होगा, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए।